नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना के 27 नए मरीज मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 97,000 के पार। 97,019 की कुल मरीजों की संख्या। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। राज्य भर से जांच के लिए भेजे गए 10,000 से अधिक सैंपल। मरीजों के ठीक होने की दर हुई 96%। नंदप्रयाग में प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस का ऐलान। आज बजट सत्र के दूसरे दिन इसी मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में स्थायी राजधानी का जन्म फिर आया बाहर। विपक्ष ने एक बार फिर की गैरसैंण में सरकार चलाने की मांग। कुंभ मेले को लेकर जिलाधिकारी ने पेशवाई मार का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जल्द कार्य पूरे करने के आदेश। का प्रयास शुरू हो रहा है कुंभ। पिछले 11 महीने से बंद ट्रेनें 4 मार्च से नजर आएंगी रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई। उत्तराखंड रेलवे बोर्ड की 6 प्रमुख गाड़ियों में संचालन देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। पटन की शुरुआत बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर, कुंभ मेले को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे, जहां पर कुंभ मेले को लेकर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने किया पेशवाई मार्ग का निरीक्षण। बता दें कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है कुंभ मेला। डीएम ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बड़ी खबर हरिद्वार से, कुंभ मेले को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है कुंभ मेला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरिद्वार से बड़ी खबर, कुंभ मेले को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा। जिलाधिकारी ने पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है कुंभ मेला। बड़ी खबर आप आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां पर डीएम ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ मेला और तैयारियां लगभग लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है कुंभ मेला। साधु संत पहुंच रहे हैं। बता दें कि 11 मार्च को पहला शाही स्नान होगा और बाकी के 3 स्नान अप्रैल महीने में होंगे। बात अगर हम सजावट की करें तो अलग अलग संस्कृति देखने को मिलेगी आपको हरिद्वार में, जो कि वॉल पेंटिंग की गई है। संस्कृति का एक अद्भुत नज़ारा आप देख पाएंगे पेंटिंग के जरिए। अध्यात्म और संस्कृति से सीधे सीधे जुड़ पाएंगे। प्रशासन ने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि महिलाओं को कोई समस्या ना हो। और आपको बता दें कि जारी हुई SOP के मुताबिक महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो उनको आने पर रोक लगाई गई है। उनसे अपील की गई है कि वो ना आए। छोटे बच्चों को भी लगभग मना किया गया है कि वो कुंभ मेले का हिस्सा ना बने। और जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भी आने के लिए मना किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक बुज़ुर्गों को कोरोना से ज़्यादा खतरा होता है, गर्भवती महिलाओं को कोरोना से ज़्यादा खतरा होता है और बच्चों को कोरोना का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ऐसे में इस तरीके की SOPs जारी की गई हैं। और कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले से कराना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रयास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रयास जी, लगातार हम हरिद्वार से जुड़ी हर एक अपडेट, कुंभ मेले से जुड़ी हर एक अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं। अभी तक क्या कुछ जानकारी आज की अगर हम करें तो क्या कुछ सामने आ रही है? देखिए, हरिद्वार कुंभ जो सभा सामने आई है कि जो कुंभ मेला जो होना है वो 1 अप्रैल से होना है। मात्र 28 दिनों का ये कुंभ मेला इस बार होना है, वो भी कोरोना महामारी के साए के चलते। ये फैसला लिया गया है कि 1 महीने का कुंभ मेला होना है। कोरोना की महामारी ज्यादा ना फैल सके इसके लिए ये फैसला लिया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि तमाम अभी तक 4 स्नान हो चुके हैं कुंभ वर्ष के, और अभी 11 मार्च को 1 स्नान और होना है जो शाही स्नान है। किस तरह से मेला प्रशासन और जिला प्रशासन किस तरह से
इस मेले को संपन्न करा पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो मेला प्रशासन है, जो जिला प्रशासन, सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना महामारी ज्यादा ना फैल जाए। इसके चलते हुए स्नान भी कराना है, क्योंकि ये 11 मार्च का जो महाशिवरात्रि का जो स्नान है वो शाही स्नान है। इस पर हरिद्वार के तमाम साधु संत, 13 अखाड़ों के जितने भी संत हैं, सभी शाही स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पर हरिद्वार पहुंचेंगे तमाम। तो बात करें हम जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां लगातार कर रहा है, चाहे वो पेशवाए मार्गों का निरीक्षण हो, चाहे वो जो स्नान पर जो भीड़ जो जुटेगी श्रद्धालुओं की, चाहे वो हो, तमाम चीजों को लेकर जो है जिला प्रशासन और मेला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। तो एसओपी भी इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो एसओपी कुंभ को लेकर जारी की गई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने भी ये एक एसओपी जारी कर दी है, जिसमें जो कुंभ मेला होगा उसमें तमाम चीजों पर रोक लगाई गई है कि आपको अगर वो करने हैं तो पहले आपको प्रशासन से आपको अनुमति लेनी होगी, चाहे वो सत्संग हो या भंडारा हो, तमाम चीजों के लिए। इसमें देखने वाली बात यह है कि हरिद्वार में कुछ संतों ने इस एसओपी का विरोध भी किया है कि जब चुनाव हो सकते हैं बिना किसी एसओपी के, जब तमाम सभाएं लग सकती हैं, तो चुनाव की तैयारियां हो सकती हैं, तो हरिद्वार कुंभ पर ही ये एसओपी क्यों जारी की गई। तो तमाम बातें सामने आ रही हैं, साधु संत इसका विरोध भी कर रहे हैं, और इसके जो व्यापारी हैं, व्यापारी की बात करें तो व्यापारों को भी इसका अभी साफ तौर पर ये कहना है कि उनके व्यापार कोरोना महामारी के चलते हुए बिल्कुल ठप हो गए थे। उसी के साथ साथ बात करें हम जिला प्रशासन की, और जिला प्रशासन के लगातार इस जो 11 मार्च को जो स्नान होना है उसको बहुत ही बड़ी चुनौती समझ रहा है, क्योंकि इसमें जो शाही स्नान होना है, साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु भी इसमें कई लाख की संख्या में हरिद्वार पहुंचेंगे। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, क्योंकि अभी इससे पहले जब माघ पूर्णिमा का अभी माघ पूर्णिमा जिस दिन पड़ी थी उस दिन भी 5 लाख के आसपास श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे थे, तो उस टाइम भी प्रशासन काफ़ी अलर्ट नज़र आया और तैयारियां जिस तरीके से लगातार की जा रही हैं। बात अगर पहले शाही स्नान की करें तो शाही स्नान में भी उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में लोग यहां पर आएंगे, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, क्योंकि एक स्नान मार्च में पड़ रहा है, बाकी के 3 अप्रैल में पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए आपको बता दें कि जो माघ पूर्णिमा का जो स्नान हुआ था उस पर करीब 7.5 लाख श्रद्धालु ने हरिद्वार पहुंचे थे, जिन्होंने गंगा स्नान किया था। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो तो कोरोना महामारी के चलते एक फैसला लिया गया था कि जितने भी हरिद्वार हर की पैड़ी पर जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, सभी एंट्री पॉइंट पर स्वास्थ्य विभाग ने अपना काउंटर लगाकर जो रैंडमली श्रद्धालुओं की चेकिंग की थी, जिसमें करीब 15 लोगों की जो रिपोर्ट है कोरोना की वो पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद लगातार देखने वाली बात ये थी कि करीबन वहां पर 26,605 लोगों की रैंडमली कोरोना जांच की गई थी और 15 लोगों का पॉजिटिव आना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती, जो इस बार का जो स्नान होना है 11 मार्च को, ये बहुत बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन और मेला प्रशासन के सामने कि आखिर किस तरह से कोविड की रोकथाम के लिए इस स्नान में श्रद्धालु स्नान भी करेंगे, साथ ही साथ किस तरह से ये स्नान पूरा होगा। तो तमाम तैयारियों को लेकर जितना भी जिला प्रशासन और मेला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, वो चाहे वो स्थल निरीक्षण हो, चाहे वो जो पेशवाई के जो मार्ग हैं, जो साधु संतों के जो अखाड़े हैं, तमाम जगह जो मेला प्रशासन जिला प्रशासन लगातार कर रहा है। साथ ही साथ साधु संतों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि जितने भी अखाड़े हरिद्वार में हैं, 13 अखाड़े, सभी अखाड़ों में एक मेडिकल की टीम दी जाए, साथ साथ एक डॉक्टर की वहां व्यवस्था की जाए, ताकि रैंडमली जो श्रद्धालु जो संत अखाड़े में पहुंचेंगे उनकी जाँच कराई जा सके, ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, कहीं ना कहीं अब सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का प्रसार अब लगातार बढ़ रहा है। ओम प्रयास जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब भीड़ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है और तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं, जैसे क्योंकि व्यापारियों का एक तरफ विरोध, साधु संतों का एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। हम लगातार बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए कुंभ की, क्योंकि उस कुंभ से एक सेट कर दिया था, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, अब लोगों को उत्तराखंड में होने वाले कुंभ से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में लेकिन जब उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ था तब कोरोना का प्रसार नहीं था, लेकिन आज जब उत्तराखंड में कुंभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आज फिर से एक नया वेरियंट सामने आया और कोरोना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा है।
तो ऐसे में लगातार विपक्ष भी हमलावर हो रहा है, कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, इसमें साफ तौर पर कह दिया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में माघ मेला संपन्न हुआ है, 27 मार्च को आखिरी था जो संपन्न हुआ है, उसको लेकर जो यहाँ के जो साधु संत हैं उन्होंने, तो उत्तर प्रदेश सरकार है जो अधिकारी है उनको धन्यवाद दिया है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब जो कोरोना के साय में जिस तरह से माघ मेला संपन्न कराया गया, उसी तरह हरिद्वार कुंभ पर जिस तरह से एसओपी लगाई गई है, उसको लेकर संत भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी जो श्रद्धालु जो व्यापारी हैं, व्यापारियों का साफ तौर पर इस चीज को लेकर ये कहना है कि जिस तरह से माघ मेला संपन्न हुआ है, कोरोना के चलते उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था और उन्हें सिर्फ उम्मीदें थी एक कुंभ से, लेकिन कुंभ के बाद भी कुंभ पर भी जिस तरह एसओपी लाई गई है कि इसमें आपको 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, उसके बाद आपकी एंट्री होगी। साथ ही साथ आपको पोर्टल पर भी यहाँ पर पंजीकरण कराना होगा हर एक व्यक्ति का, जहाँ भी आप ठहरेंगे उस चीज का। तो तमाम चीजें हैं जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र गिरी जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके न्यूज में। जी धन्यवाद महाराज जी। कल पेशवाई निकलनी है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कल पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई जी ये समय जैन डिग्री कॉलेज से निकलेगी जी। ये पेशवाई का मतलब ये होता है कि जो हमारे रमता पंच पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार करते, जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो हमारे यहाँ अभी लोग सब इकट्ठा हो गए हैं जी। और 25 तारीख को उनका नगर प्रवेश हो गया है जी। कल उनकी एक भव्य शोभा यात्रा करके वो मेला छाव में प्रवेश करते हैं जी। नरेंद्र गिरी महाराज जी, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगी, इस बार का कुंभ जो पहले जिस तरीके से कुंभ होते थे, इस बार जो कुंभ होने वाला उसमें काफी अंतर देखा जा रहा है, आप क्या समझते हो उस अंतर को कि जिस तरीके से कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कुंभ की अवधि भी घटा दी गई है? नहीं देखिए, 2010 का कुंभ और इस कुंभ में अंतर इतना है, कोरोना काल के कारण थोड़ी समस्या आई है, ये समय से काम पूरा नहीं हो पाया है, एक समस्या तो ये है। दूसरा ये है कि कोरोना के कारण साधु महात्माओं की संख्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन चूंकि पहला स्नान शिवरात्रि का है तो लोग बड़े स्नान आते हैं, सब मिला के देखा जाता है कि मेला बढ़िया होगा क्योंकि हो रहा है और तैयारी सरकार की हो रही है और लगे भी सरकार लगी है, तय कर रही है। नरेंद्री महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो पहला शाही स्नान 11 मार्च को होने वाला है, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। 11 मार्च को शिवरात्रि का शाही स्नान है, उसमें स्नान के समय संत महात्मा काफी रहते हैं, नागा लोग उसमें आ जाते हैं, नागा भी आ जाते हैं उसमें जी। इसलिए शाही स्नान की जो परंपरा है वो बहुत अनाद काल से आज गुरु शंकराचार्य ने डाली थी जी। और कुंभ मेले का अगर सिरे देते हैं तो राजा हर्षवर्धन जी ने इसकी व्यवस्था अच्छी की जी। इसीलिए 11 मार्च को पहला जो शाही स्नान है वह प्रातः 11 बजे से शुरू हो जाएगा जी। महाराज जी, एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, जैसे हर बार ही 12 साल में कुंभ होता है लेकिन इस बार 11 साल में हो रहा है, इस बार ऐसा कौन सा विशेष मुहूर्त है जिसकी वजह से हमें ये कुंभ 11 साल में करना पड़ रहा है? नरेंद्र जी, आपकी आवाज, आपको आवाज आ रही हमारी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ ओम प्रयास जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रयास जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे थे विपक्ष की, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं इस कुंभ को लेकर, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, सरकार द्वारा जिस तरह से तोप लाई गई है वो साफ तौर पर देखने वाली बात यह है कि कोरोना महामारी को की रोकथाम करने के लिए ये एसओपी लाई गई है, लेकिन इसमें जिस तरह से कुछ साधु संतों ने इस चीज का विरोध किया है कि जिस तरह से चुनाव रैलियां हो सकती हैं, चुनाव हो सकते हैं और साथ ही में हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में जो माघ मेला जो संपन्न हुआ है वो बिना किसी एसओपी के संपन्न हुआ है, तो उसको लेकर भी साधु संतों का ये कहना है कि जिस तरह से
माघ मेला हो सकता है तो हरिद्वार कुंभ क्यों नहीं, आखिर कुंभ पर ही क्यों एसओपी लाई गई है जिसमें ये जो ये आस्था का प्रतीक है, श्रद्धालु बाहर से आएंगे तो उनके लिए ये तमाम चीजों की रोक लगाना कुंभ मेले में। ओम प्रयाग जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु है। चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद महाराज जी, कल पेशवाई निकलनी है कुंभ को लेकर, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये पेशवाई एक हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा इसी की पहचान है जो पूरे विश्व में जाना जाता है जी। और कुंभ तो अपने आप में हिंदू सनातनियों के लिए महापर्व है और स्वर्ग मोक्ष की कामना से हमारी यहाँ पे भक्त जाते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। इससे धर्म चिंतन होता है, विश्व कल्याण की भावना से लोग जो है सब लोग एकत्रित होते हैं, इस में सबकी कामना की जाती है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखा भवेत्। यानी कोई दुखी न रहे, कोई हर सभी प्रकार से खुशहाल रहे, पूरी दुनिया से इसकी कामना से हमारे यहाँ कुंभ का होता है। इसलिए पेशवाई का अपना महत्व है और सबको निश्चित रूप से सबकी संत के द्वारा मंगल कामना की जाती है, पूरे विश्व के कल्याण की कामना की जाती है और इन्हीं उद्देश्यों से और सनातन सिद्धांत देश ही ने पूरे विश्व में इसकी पताका लहरा है और सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत मनुर्भव मनुष्य बनो के सिद्धांत जिसका आधार है सत्य अहिंसा करुणा दया प्रेम, इसके लोग चल करके सनातन मूल्यों को पूरी विश्व में प्रचारित प्रसारित करें, इसके माध्यम से पुनः भारत विश्व गुरु बने और पूरे विश्व में खुशहाली आए, तो इसी कामना से पेशवाई या कुंभ का आयोजन होता है जी। महाराज जी, लेकिन इस बार कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है आस्था को, और जिस तरीके से हर बार हम देखते हैं कि जब भी कुंभ होता है तो एक अलग माहौल होता है साधु संतों का, एक हम देखते हैं कि कैसे साधु संत आते हैं यहाँ पर कुंभ में हर बारी, लेकिन इस बार की अवधि काफी कम है, 28 दिनों का कुंभ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो 28 दिन का कुंभ है ये ठीक है क्यों कोरोना के लिहाज से, या फिर आपको भी नाराजगी क्योंकि कई साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं? 28 दिन की बात है, मेरा तो पहले से मानना था कि इसको जितनी अवधि होती है उसको अवधि पूरी की कराई जाए, करीबन एक दो महीने की जो होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार द्वारा किया गया इस परिस्थितियों में तो ये ठीक नहीं था। ले इसमें जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके, लेकिन जो अवधि है उसको पूरी करने चाहिए थी, लेकिन फिर भी। और जहां तक रही कोरोना की बात, देखिए सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई है तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की संकट मनुष्य पे आते रहे हैं, लेकिन धर्म ही जो है उस संकट से दूर करने का काम किया है, तो इसलिए ये कुंभ जो है पूरे देश और विश्व के लिए खुशहाली लाएगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि उसी की कामना से कुंभ का वो होता है। सभी संत इकट्ठे होते हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं, सभी भक्त इकट्ठे होते हैं और परमात्मा से कामना करते हैं, तो इसलिए ये और अपने लिए भी कामना करते हैं। तो हमारा सनातन तो सिद्धांत स्व से पर की तरफ जाने, यानी मैं हम भी हमारा भी कल्याण हो, पूरी दुनिया की कल्याण हो, तो जहाँ पे ऐसी भावना जो होगी तो स्वाभाविक है कि कोरोना यदि कोई भी चीज होगी वो ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं ठहर पाएगी। तो इसलिए सरकार को चाहिए था कि पूरी इसकी अवधि जितनी है उसको रखा जाए, इसके कटौती न किया जाए, कम न किया जाए, और भक्तों के लिए भी जो भक्त भी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन एक बात और है कि जिस प्रकार से वहाँ पे ये हो कि कोविड की जांच के सर्टिफिकेट ले जाना ये जाना, तो ये थोड़ी असंभव सी नहीं है, इतने हो सके लचीला होना चाहिए, क्योंकि भक्त वहाँ बड़ी आस्था से जाते हैं और एक पौराणिक हमारी परंपरा है, प्राचीन काल से चली आ रही है, तो इसमें सरकार द्वारा तुगलकी फरमान बेवजह नहीं जारी करने चाहिए और ऐसे करें जिसमें जो भक्त है जो गांव गिराव से आते हैं, जो दूर दूर से आते हैं, जो सनातनी भक्त है वो नहीं जानते कहाँ चेक कराना है, कहाँ वो करने, तो उनको असुविधा होगी, क्योंकि जो सनातनी भक्त है वो बहुत सीधे साधे होते हैं, उनका कुछ नहीं, इसलिए सरकार उनकी भावना को समझे, वो सिर्फ आस्थावान है और जो आस्थावान है उनको कोई कोरोना वोरोना नहीं होने वाला, बल्कि उनकी आस्था से कोरोना ठीक होने वाला है, इसलिए सरकार उनकी भावना को समझे और उनपे जितना कम से कम हो गाइडलाइन दे और कम से कम उसकी कठिनाई को जितना हो सके खत्म करे, कम करे। जी बिल्कुल महाराज जी, कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद भी है कि हम कोरोना से जल्द निजात पा सकेंगे, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि आस्था हमेशा भारी पड़ी है, और कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना पर भी आस्था हमने भारी पड़ती हुई देखी, कि अभी हाल में माघ पूर्णिमा जब हुई थी तब करीबन 7.5 लाख लोग पहुँचे थे, तो कहीं ना कहीं लोग पहुँच रहे हैं, उन्हें कोरोना का डर नहीं है। महाराज जी, आप जब भी हमसे जुड़ते हैं तो हम आपसे भजन ज़रूर सुनते हैं,
तो हम चाहेंगे कि आप एक भजन सुनाएं। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ, महाराज जी दर्शकों की ये बहुत डिमांड रहती है कि महाराज जी जब भी के न्यूज में जुड़े तो वो भजन जरूर सुनाएं। देखिए राम जी का समय चल रहा है, भगवान राम का मंदिर भी हो गया, तो मैं आपको दो लाइन का सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट कबीरा, प्राण जाएगा छूट। अभी समय है परमात्मा का नाम ले ले, भगवान का नाम ले ले, रोना और रोना जितना आता है परमात्मा को एहसास दिलाने का है, इसलिए इसमें लोग अपने वर्गों में न बांटे, अपनी कलयुगी विचार को हटा के राम नाम का अपना जाप करें और निश्चित रूप से सब सब कुछ सुखमय होगा, सबका कल्याण होगा। जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये भजन सुनाने के लिए भी और तमाम अपनी राय रखने के लिए भी। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है अगर जिस तरीके से अवधि कम की गई है कोरोना के लिहाज से, लेकिन उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि उम्मीद है कि कोरोना जल्द ही ख़त्म होगा और एक बार फिर जो खुशियां जो रौनक देखने को मिलती थी वो मिलेगा। हमारे साथ ओम प्रयास जुड़े हुए थे, ओम प्रयास जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जिस तरह से हम बात कर रहे थे एसओपी की, तो एसओपी लाई गई है, जनसंघ ने इस बात का विरोध भी किया है, और साफ तौर पर ये भी कहना है कि माघ जो माघ मेला है उत्तर प्रदेश में बड़ी ही कोरोना का देखते हुए संपन्न हुआ बिना किसी एसओपी के, लेकिन इस कुंभ पर जिस तरह से एसओपी लाई गई है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आस्था पर चोट है, क्योंकि हरिद्वार जो कुंभ है ये एक आस्था का प्रतीक है, ये 12 साल में होने वाला एक ऐसा मेला है जो 12 साल बाद लगता है, लेकिन इस बार 12 साल लगने के बाद जिस तरह से कोरोना का साया इस पर लगातार मंडरा रहा है, उसी को देखते हुए सरकार ने इस तरह की एसओपी जारी की है। इस एसओपी को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन साथ हम बात करें कल पेशवाई निकलनी है, शाही स्नान होने हैं, तमाम चीजें होनी है, जो कुंभ मेला है कुंभ मेले में साधु संत महात्मा आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे, तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर रहेंगे वहां पर, तमाम साधु संत के साथ साथ श्रद्धालु भी यहां पर आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। उसको लेकर जो बयान सामने आ रहा है वो ये है कि इस मेले को सकुशल संपन्न कराया जाए, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है, देश विदेशों से जो श्रद्धालु जो आया करते थे वो शायद इस बार के मेले में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर बार के कुंभ में जो बाहर के जो श्रद्धालु जो विदेशी जो श्रद्धालु आया करते थे उनका इस बार शायद हरिद्वार के महाकुंभ में दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये एसओपी को लेकर जो बयान जो सामने आ रहा है उसको देखते हुए साफ साफ लगता है इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, और अभी जिस तरीके से हमने अभी बात की, चक्रपाणी महाराज जी भी थे हमारे साथ, नरेंद्र गिरी महाराज जी भी थे, इनसे जब हमने बात की तो इनका भी यही कहना था कि ये अवधि से नाखुश है, लेकिन अब सरकार ने जो किया है उसके हिसाब से चल रहे हैं, और पेशवाई है कल उनकी, और उसके बाद बात करें अगर पहले शाही स्नान की जो कि 11 मार्च को है, तो वो भी उसको लेकर नाराज़ ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो SOP जारी की गई हैं उसके हिसाब से चला जाए। बात अगर हम करें जो SOP में महिलाओं बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए जो SOP है कि गर्भवती महिलाएं नहीं आ सकती, बच्चों से ना आने की अपील की गई है, बुज़ुर्गों से ना आने की अपील की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? इसमें SOP में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो 65+ जो बुजुर्ग हैं वो कुंभ मेले में ना आने की इसमें अपील की जा रही है, साथ साथ जो महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको भी इस मेले में ना आने की, साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनको कुंभ मेले में ना आने की शासन प्रशासन ने ये अपील की है, क्योंकि जो कोरोना है वो कोरोना या तो 65+ पर ज्यादा इफेक्ट करता है, या फिर जो गर्भवती महिला होती है उन पर, या फिर छोटे बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट करता है, जो मध्यम वर्ग के जो युवक होते हैं उन पर शायद इसका असर कम है, साथ साथ जो मास्क सैनिटाइजेशन उचित दूरी इन सब चीजों का पालन करने के लिए इस SOP में साफ तौर पर
लिखा हुआ है। हालांकि हम बात करें जो सरकार ने जो जिला प्रशासन जो लागू करा रहा है, जो जिला जो सरकार ने जो एसओपी जारी की है वो कोरोना को देखते हुए कहना की जो कुछ लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल ठीक है। उनके साथ तो ये भी कहना है कि ठीक है सरकार ने जो मेले की जो अवधि कम की है वो कोरोना देखते हुए की है, कहीं ना कहीं संतोष जता रहे हैं। लेकिन उनके मन में भी ये सीधी सीधी बात ये है कि 12 साल में आने वाला जो कुंभ है महाकुंभ है वो आस्था का प्रतीक है। तमाम श्रद्धालु तमाम साधु संत तो बाहर से आते हैं, उन पर जो मेले को कम करने का मेले को जो मेले की अवधि को कम करने का जो लगाया गया है उनको साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से हम ये आस्था का प्रतीक हरिद्वार कुंभ होने जा रहा है 12 साल बाद, हालांकि इस बार 11 साल बाद है जो होने जा रहा है, इस पर कहना कि सरकार को कुछ छूट देनी चाहिए जो व्यापारियों का व्यापार चल सके, जिनका व्यापार कोरोना के कारण जो ठप पड़ा था वो व्यापार चल सके, साधु संत आ सके, भजन कीर्तन भंडारे तमाम सत्संग उसमें हो सके। लेकिन उस पर भी जो सरकार ने एसओपी में ये रोक लगाई है कि आपको अगर सत्संग या भंडारा या कुछ भी करना है तो आपको पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, उसी के बाद आप अपने उसमें। ओम प्रकाश जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब इस पे कुछ चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सबने प्रदर्शन करके भी देख लिया, विरोध करके भी देख लिया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। अवधि जस की तस है, जो एसओपीज है वो एसओपीज ही रहेंगी, वही गाइडलाइन फॉलो करना अनिवार्य होगा। तो अब देखना है कि आगे किस तरीके से ये संभव हो पाता है कि इतने सारे लोगों की रिपोर्ट को चेक करना और जो जो रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं उनका क्या कुछ करना है। सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि लगभग कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल पहली पेशवाई निकलने वाली है अखाड़ा हिंदू परिषद की, और उसको लेकर काफ़ी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। और बात अगर हम करें 11 मार्च को जो पहला शाही स्नान होना, उसकी भी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।